हेलो गाइज, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि इस 26 जनवरी पर आप लोग अपने नेम के साथ इस तरह की 3D इमेज कैसे क्रिएट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो गाइज चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट बिंग, यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। एंड जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है प्रॉम्प्ट लिखना है। आपको चले जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पर दो प्रॉम्प्ट दे रखा है, आप दोनों को कॉपी कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे दोनों को जो है क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले वाले प्रॉम्प्ट को जो है पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने प्रॉम्प्ट को जो है पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है देख सकते हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है सूरज, मैंने यहाँ पे सूरज लिखा हुआ है। आप यहाँ पे अपना या किसी का भी नेम लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ही सेकेंडों में आपकी इमेज जो है क्रिएट होके आ जाएगी। तो जब तक इमेज क्रिएट हो रही है आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी इमेज जो है कुछ इस प्रकार से क्रिएट होकर आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी इमेज अच्छी लग रही है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई इमेज पसंद नहीं आ रही तो आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर सिंपली फिर से क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर फिर से इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर आपकी दूसरी इमेज जो है आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब की बार जो है कुछ अलग प्रकार से इमेज आई हैं। तो आपको जो भी इमेज अच्छी लगती है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इमेज पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही इमेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। एंड यहाँ पे देख रहे हैं शेयर का ऑप्शन के साइड में 3 डॉट, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इमेज जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है। बैक आने के बाद मैं यहाँ पे आपको दूसरे प्रॉम्प्ट को जो है यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेंज क्या करना है, आपको यहाँ पे नेम चेंज कर लेना है केवल बस। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है नेम में शिवम मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे किसी का भी नेम लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी इमेज जो है जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, कुछ ही सेकेंडों में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी इमेज जो है कुछ इस प्रकार से क्रिएट होकर आ जाएगी। आपको जिस भी इमेज को डाउनलोड करना है सिंपली आपको इमेज पे क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 डॉट, आपको इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।